छपरा में जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी जाना और फिर मौत हो जाना, यह प्रकरण फिलहाल 15 दिनों से चल रहा है। ताजा मामला पानापुर क्षेत्र के भोरहा की है, जहां भोरहा में ही नाई का काम करने वाला एक 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। बताया जाता है कि शराब पीने के आदि परदेसी ठाकुर के 36 वर्षीय पुत्र मुकेश ठाकुर प्रतिदिन की तरह बुधवार की शाम भी शराब पीकर घर आए थे। घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद उनकी आंखों से दिखाई देना बंद होने लगा। फिर परिजन अफरा तफरी के माहौल में उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, जहां से उन्हें छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचते ही युवक के गांव के ही शराब पीने की बात बताई गई, जिसे लेकर एंटी लीकर टास्क फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया और फिर नेत्र चिकित्सक से उसे दिखाया गया, लेकिन युवक उस देर के इलाज के बाद ही दम तोड़ दिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इसके बाद भी लोग छुप छुपा कर जहरीले शराब का सेवन कर रहे हैं, जिससे आए दिन क्षेत्र में मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष की शुरुआत में ही जहरीले शराब पीने से मौत की शुरुआत जिले के मकेर थाना के जनता बाजार से हुई। धीरे धीरे यह मामला अमनौर एवं मढ़ौरा तक पहुंची, जिससे एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत आंखों की रोशनी गंवाने के साथ ही हो गई। उसके बाद अप्रैल में यह मामला एक बार फिर तरैया के नवरत्नपुर में हुई। अभी उस मामले की चर्चा ठंडी भी नहीं हुई है कि पानापुर में फिर शराब से मौत ने प्रशासन द्वारा शराब कारोबारियों पर नकेल कसने वाली बातों पर सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर जहरीली शराब से मौत पर विराम कब लगेगा? ऐसी जहरीली शराब कारोबारियों पर अंकुश कब लगेगा? ये सवाल अभी तक सवाल ही है। देखिए हम लोग को, हाँ बताइए। देखिए हम लोग को सर्वप्रथम कल शाम में ही जानकारी मिली। हम लोगों ने घर पर तहकीकात किया तो घर वाले परिवार वालों द्वारा भी बताया गया कि उनके पेट में दर्द है और तो हम उनकी आँख की रोशनी गायब हो रही है। उसके पश्चात हम लोगों ने जब उनसे संपर्क किया तो मुकेश ठाकुर और सुरेश ठाकुर दोनों मशरक से इलाज कराकर छपरा सदर अस्पताल में आ गए थे। यहाँ जब हम लोगों ने सुरेश ठाकुर से बात करना चाहा तो उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी। वो बोलने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी, ये बात भी नहीं निकल। उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि हमने दिन में कहीं ना कहीं कहीं से शराब का सेवन किया था, जिसके चलते मेरी तबीयत बिगड़ी है। तो सबसे मुकेश ठाकुर क्या बता रहे थे कि शराब के सेवन के बाद ही उनकी तबीयत खराब शुरू हुई? उन्होंने स्पष्ट खुद उन्होंने ही बताया है कि हमारी स्थिति उसके बाद से मेरे पेट में दर्द हुआ और हमारी आँख की रोशनी। कब से पेट में दर्द शुरू हुआ? उनको कल दिन ही से दर्द चालू हुआ था, करीब 12-1 बजे के बाद से दर्द चालू हुआ था, जिसके पश्चात उन्होंने अपने भाई को बताया। भाई ने उनका इलाज करवाया, उसके बाद स्थिति ठीक नहीं हुई तो लोग छपरा लेके आए, लेकिन यहाँ आने के पश्चात से ही उनकी तबीयत काफ़ी नाजुक थी, जिसके बाद उन्होंने खुद अपना एक्सेप्ट किया कि हमने ऐसा किया है। एक्सेप्ट किया था उन्होंने कि हमने दारू का सेवन किया था। कब पिया था उन्होंने दारू? तो उन्होंने खुद बताया कि हम किस शादी में गए थे, वहाँ हम लोगों ने बसोहिया कोई सारंगपुर के आसपास। आपकी जीएनटी न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।